2 years of hard work, 740 days of rigorous preparation and a bunch of mistakes. That's what an average JEE aspirant goes through to get into the top IITs or NITs. But for what? College life? Yes. Amazing friends group और भरपूर बकचोदी? Yes. पढ़ाई लिखाई semester exams? भैया कहाँ जा रहे? पर मुद्दे की बात बताए तो 12वीं में जो सपने दिखाए गए थे कि बस placement तगड़ा होता है, तुम्हें दिखी सिक्योरिटी, पैसे और बस वहीं बन गई तुम्हारी कॉलेज जाने की वजह। बॉस झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था, बट देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड व्हिच वाज अनआंसर्ड। तो आज के इस वीडियो में हमने सोचा उसी सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें। बताना मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल। पक्का मिलेगा कि नहीं? What the fuck? The way that I ball, I should have paid for the Big Ten when I touched stage, but they packed in, got a pretty thing to make a bad bitch. From getting selected among 12 lakh plus students to now preparing for a 12 lakh plus job, भैया life full circle मार के हमारे पास आ चुकी है। तो हमने सोचा इस वीडियो के द्वारा क्यों ना, if you are in school, if you are going to a college, या फिर तुम college में already existing हो, this video is going to give you a whole perspective and idea about placements का क्या scene रहता है, and I am going to compare it with the exams, especially about IIT JEE, ताकि तुम्हें भी थोड़ी relatability लगे भैया कि exam देके आए तो हमें पता नहीं ना प्लेसमेंट का सीन। लेट्स गो। बट वेट, आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स और मुझे यहाँ पे किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी जो कि इस मामले में थोड़ा एक्सपर्ट है। सो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट गो टू बैंगलोर। All right, so we have three people today who are going to help you and me know the insider details. Sango is from IIT Hyderabad, did his internship at Microsoft and is now an SDE. Sid is an IIT Roorkee graduate, was up in the Ranveer show recently and has 10 plus years in this domain, plus he runs his own edtech company. Whew. And finally, Tharun, well, you know about his 75 LPA job story, right? All right, तो सांको से हमें पता चल गया कि placements उसके लिए IIT JEE से tougher था, but we need some deeper insights. So now we move on to Sid from Newton School. All right, Sid sir, first of all, thank you very much आपका समय देने के लिए हमको. Thank you so much for your time. अरे अरे अरे, सौभाग्य हमारा. But देखो दोस्तों, मेरा placement season चल रहा है अभी फिलहाल, and there is no one better in this current industry right now जिनसे मेरे को insights मिल सके. Do I get the surety with the respect कि मैं काम करूंगा इस पे? तो I'll make it to the top cream. टेक की सबसे अच्छी चीज़ क्या है आज के डेट में? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कि किस कॉलेज से निकले आप, ऑफकोर्स IITs में मतलब अच्छी कंपनीज आती हैं, बट इट्स मोर अबाउट कि आपके स्किल सेट क्या है। टेक के स्किल्स इवेल्यूएट करना बहुत ईजी है एंड टेक को सीखना किसी के लिए भी ईजी है। तो अगर आप टॉप के टेक में हो, आप कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी आती है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाना आता है, आपके प्रोजेक्ट रिज्यूमे पर प्रोजेक्ट्स हैं, आपको एल्गोरिथमिक कोडिंग अच्छी आती है, अगर ये सब आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो, आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। सिड इज फ्रॉम IIT रुड़की, भाई छोटी बात नहीं है कोई, ठीक है। सेकेंडली फ्रॉम द CS, मतलब तुम समझ रहे हो कितना फोड़ के बैठे हुए। यू हैव टू रेट दिस ऑन अ मैट्रिक स्केल ऑफ 1 to 10, लाइक हाउ मच डिफिकल्ट वॉज इट फ्रॉम गेटिंग इन टू IIT द JEE वाला एरा टू गेटिंग द प्लेसमेंट सीजन एंड एवरीथिंग फ्रॉम IIT रुड़की? मैं तो थोड़ा मस्ती वाला बच्चा था, मैं तो 12th में आके एक्चुअली पढ़ाई चालू किया तो एक साल मैंने पढ़ाया लेकिन बहुत मेहनत की। कॉलेज में मैं ऐसा था सिंपल सा, तो कंप्यूटर साइंस में मैंने एटलीस्ट बहुत अच्छे से काम किया, तो प्लेसमेंट्स में मेरे को बहुत कम पढ़ना पड़ा। तो एक्चुअली अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं अगर इसको 10 बोलूंगा JEE की तैयारी, प्लेसमेंट्स को मैं 2 दूंगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिला होगा, बट ऑन अ ग्रास रूट लेवल व्हाट वाज द रियलिटी ऑफ इट? तो IIT ने मेरे को 2 चीज़ें बहुत अच्छी दी। एक, उन्होंने IIT के नाम पर, और चूंकि IIT के बच्चे बाहर जाके अच्छा करते थे तो अच्छी कंपनीज आ जाती थी। दूसरी चीज़, मेरे को बहुत टॉप के पीयर ग्रुप मिलता था। मुझे लगता है बाकी कॉलेज का जो आप पूछ रहे हो, क्योंकि न्यूटन स्कूल में हज़ारों बच्चे मैंने देखे, आई थिंक वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो पीयर ग्रुप भी बहुत शानदार नहीं मिलता। बट इसके अलावा IITs में भी इंडस्ट्री रेडीनेस बहुत कम थी, मतलब बहुत पीछे चल रहे थे इंडस्ट्री में मेरे टाइम पे। मेरे को आपके टाइम पे नहीं पता, मेरे टाइम पे C++ का पेपर मैंने लिटरली पेन और पेपर पे दिया। मेरे टाइम में भी भाई, मैं फर्स्ट ईयर में बैठा था, फुल पेन एंड पेपर चल रहा था मेरा भी। इट इज इवॉल्विंग जस्ट बैकवर्ड।
और इसलिए हमने न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में तो ये चीज़ें डे वन से रखी है, मतलब डे वन से बच्चा आता है तो फर्स्ट डे से उसका एक पर्सनल मेंटर होता है जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसको गाइड करता है हर हफ्ते दो ग्रुप सेशंस और एक 1:1 30 मिनट्स का सेशन भी होता है। तो आइडिया बिहाइंड इज कि यार अगर आपको गूगल वाला फर्स्ट डे से गाइड कर रहा है तो आपके गूगल में जाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। प्लेसमेंट वाला सीन, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कि कॉलेजेस में तो ये वाला सिनेरियो है, बट एट न्यूटन स्कूल हाउ डू यू एंश्योर कि लाइक प्लेसमेंट एंड ऑल एवरीथिंग गोज फाइन विद दिस? तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कितनी ऑसम तरीके से हम मतलब यू नो चीज़ें कर रहे हैं। पहले 1.5 साल हम उसको सिर्फ कोडिंग सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर सिखाते हैं, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बनना है, आप खुद की ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट जैसा क्लोन खुद का कैसे बना सकते हैं, ऊबर कैसे बना सकते हैं। इसके बाद सेमेस्टर आएगा 4th सेमेस्टर, उसमें हम आपको पूरे 6 महीने बोलेंगे कि यार इंडस्ट्री में जाकर इंटर्नशिप करो, वील हेल्प यू विद द इंटर्नशिप, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग 1500+ का पार्टनर कंपनीज। तब आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, आपको ना सिर्फ ये समझ में आएगा कि यार कैसे मतलब अकेडमिया से जो आपने अभी तक सिंपल छोटे स्केल पे अप्लाई किया, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज कंपलसरी, दिस इज पेड। अभी तक सेकंड ईयर के अंत तक बच्चा एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुका है, 5th ईयर में आके हम उसको कंप्यूटर साइंस की डेप्थ में ले जाते हैं, अब देते हैं हम रूल बुक, हम थ्योरी पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते हैं टॉप के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर MIT से 3rd ईयर की स्टार्टिंग में। 6th सेमेस्टर ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमेस्टर में आप सीखोगे खुद का एक चैटबॉट कैसे बनाया जाता है, चैट GPT जैसी चीज कैसे बनाई जाती है, खुद के ऑटोनोमस रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आप प्रैक्टिकल करोगे वहाँ पर। 7th सेमेस्टर में हमने अलग अलग चीज़ें रखी हैं, आप एक या तो किसी जैसे डिजाइन या इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज कर सकते हो, अदरवाइज हमने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ इंट्रोड्यूस की है, पूरा सेमेस्टर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ो, आप पढ़ो यूज़र रिसर्च कैसे की जाती है, एनालिटिक्स कैसे सीखा जाता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फाइनेंस कैसे किया जाते हैं, और ये सब आपको टॉप के एंटरप्रेन्योर्स पढ़ाने आएंगे। यू आर प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू प्रोपोजिशन, अगर मैं होता तो आई वुड हैव टेकन अ लीप ऑफ फेथ एंड गॉन फॉर इट, सो हाउ डू यू प्लान टू फिल्टर आउट द स्टूडेंट्स? तो हम देख रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए और एटीट्यूड के लिए, तो इसलिए हमने एक NSET न्यूटन स्कूल का एक एंट्रेंस टेस्ट बनाया है जिसके थ्रू आपको न्यूटन स्कूल में एडमिशन मिलता है। इसमें हम आपकी बेसिकली मैथमेटिक्स स्किल्स देखते हैं, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज देखते हैं, रीजनिंग स्किल्स देखते हैं, इसके अलावा आप जब इसको क्लियर करते हो तो हम एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें आपका मोटिवेशन समझना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हो आप लाइफ में, कैसे देखना चाह रहे हो, तो ये दो के कॉम्बिनेशन से आपको इंटरव्यू मिलता है फाइनली। सो सिंस यू आर रनिंग अ स्टार्टअप एट द सेम टाइम, सो यू मस्ट बी हायरिंग इंटर्न्स ऑन एंड ऑफ, सो व्हाट इज द थिंग व्हिच यू लुक इन? थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि यार इंटर्नशिप का मार्केट भी कॉम्पिटेटिव आज के टाइम में, खाली अगर रेज्यूमे आपका जिसमें कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर रखा है आपने, इट्स गोइंग टू गेट वेरी हार्ड। इंटर्नशिप इज द बेस्ट वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज विदाउट गोइंग इनटू अ कमिटमेंट ऑफ 1 या 2 साल जो आप जॉब में जाना चाहते हो, आप बहुत जल्दी समझ सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए कौन सी नहीं है। सो मतलब जो इंटर्न्स का ढूंढ रहे, दे कैन रिकवर, यू कैन यू विल यू रिकमेंड दिस कि फर्स्ट ईयर के बाद खत्म हुआ मैंने कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी है, सो एक्सप्लोर द मार्केटिंग एंड सेल्स पार्ट ऑफ इट, सेकंड ईयर में आई एक्सप्लोर द टेक डोमेन ऑफ इट, थर्ड ईयर में थोड़ा अगर AI वगैरह मिल गया दिस एंड दैट, या फिर अगर कंसल्टिंग में मेरे को मजा आ रहा है तो दिस एंड दैट, एंड फाइनल ईयर में जाके सो यू हैव अ होल आइडिया कि क्या चल रहा है एंड आपका पैशन इसमें पता चल जाता है, देन आप जॉब प्लेसमेंट लेते हो, विच इज वेरी वेल थॉट, वुड यू रिकमेंड दिस? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से पुट आउट किया। चेट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन, एंड लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग द काइंड ऑफ चैलेंजेस विच आई फेस्ड एंड एवरीथिंग स्पेशली प्लेसमेंट सीजन में नॉट बींग नर्चर अराउंड वॉट टू डू, NSET इज सॉल्विंग एग्जैक्टली दैट प्रॉब्लम, सो इट्स अ वेरी जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम माई एंड, वॉट दे आर बिल्डिंग ट्रूली आगे जाकर डिसरप्ट करने वाला है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग एंड disrupt karte tech industry ko aur tech ko pura. So that was Sid with his vast knowledge and experience, and I had a chance to roam around in their office and their work has been going on full swing. I've left the link of the NSET form in the description. Last date is on 9 July and exam is on 10 July. Just go and give it because you have nothing to lose. Lekin as of now I just returned home and I need to go to Tharun for his advice. If you have to rate it on a scale of 1 to 10, both? Ah, very difficult question. So the point is like IDJ preparation is very organized, like you get you obviously have like a proper procedure, you have so many people guiding you and all, but here placement preparation gets a bit tricky because no one guides you to choose what you want to do in life. Like you have to choose, you can get into consultancy, you can get into finance, you can get into the thing that I'm doing, you can get into anything that you want, like you can also get into core jobs. So this is a tricky part, but otherwise like placement preparation is not a difficult thing, it will take you like 3-4 months, but yeah. But the pressure is very intense. JEE results, mein everyone gets the results at the same time. But here it's like your friend gets placed and you're still not placed. He'll be like, I don't know, like that's it's a very weird situation to be in. Everyone around you are getting placed. You're just
clicking the enter button again and again and again just to see if you still got shortlisted or not. So that's like the tricky part. But so yeah, that's it for this week's video. I hope you all gained some amount of valuable insight from it. Agle hafte ki video mein I'm planning to do hamare channel ka first ever Q&A. So drop down your questions in case you have any. And if you are more interested in mere placement mein kya chal raha hai, just watch this video. And I'll see you next week in the next one. Tab tak ke liye haste raho. Sayonara. भैया कॉलेज खुल रहा है भाई 10-15 दिनों में।